नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे की पढ़ाई किस विषय पर होना चाहिए। बहुत से माता पिता की यह चिंता रहती है कि बच्चे को हम किस विषय में पढ़ाएं। यह जानकारी हमें कुंडली से मिल सकती है। कुंडली में फिफ्थ हाउस जो रहता है वो हमारे ज्ञान का रहता है। इस तरह से अगर फिफ्थ हाउस पर और फोर्थ हाउस पर जिन ग्रहों का प्रभाव रहता है, उस प्रकार से हमें बच्चों का विषय का चयन करना चाहिए। ये बहुत ही सरल तरीका है। इसमें एक विद्वान ज्योतिषी की आप जरूरत रहेगी। आप उनसे मिलिए, उनको बच्चे कुंडली बताइए और वो दशाएं, महादशाएं किसकी चल रही है, कौन से ग्रह आपके फिफ्थ हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, उस तरह से आपको राय देंगे। और बच्चे को हम अगर उन सब्जेक्ट में उनको पढ़ाएंगे तो वो हमें आगे के लिए नौकरी में भी सहायता करेंगे। तो इस तरह आप देखिए कि कुंडली में किस ग्रह का प्रभाव है। अगर ग्रहों का प्रभाव पांचवें घर पर अच्छा है, अगर ग्रह उच्च के हैं, सौ राशि में हैं, मूल त्रिकोण राशि में हैं, केंद्र में हैं या त्रिकोण में बैठे हैं और उन पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा बच्चे अपनी पढ़ाई जो भी सब्जेक्ट लेगा वो अच्छे से निभाएगा और अच्छे तरह से वो पढ़ाई कर पाएगा। अब हम देखेंगे कि ये ग्रह अगर 6, 8, 12 में चले जाते हैं, वहाँ पे ये पापी ग्रहों के साथ रहते हैं और यही ग्रह जो फिफ्थ हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं वो नीच के अस्त आदि होंगे, तो बच्चे का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और वो उसमें मध्यम रहेगा, तो उनको भी हम दूर कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जो ग्रह इस तरह के प्रभाव डाल रहे हैं उनके ज्योतिषी उपाय दिनों दिन करके उनको हम ठीक कर सकते हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सा सब्जेक्ट के लिए हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर सूर्य का प्रभाव चौथे और पांचवें भाव पर है तो आदमी चिकित्सा विज्ञान में जा सकता है, राजनीति में जा सकता है, जीव विज्ञान में जा सकता है, नेत्र चिकित्सक में जा सकता है, प्रशासन में जा सकता है। इस तरह से सूर्य के प्रभाव के हिसाब से हम अपना विषय चुन सकते हैं। अब देखेंगे कि मान लो यही चौथे और पांचवें भाव पर गुरु का प्रभाव है और वो बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति या बच्चे को हम अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा आदि में एडमिशन दिला सकते हैं। इस तरह से बुध का प्रभाव देखेंगे। बुध का प्रभाव अगर इन्हीं भाव पर होगा तो बच्चा गणित में अच्छा रहेगा, वो आगे जाकर वाणिज्य में सीए बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, पुस्तकालय में काम कर सकता है और भी बहुत से बुध से रिलेटेड जो भी कर्म है वो उसमें जा सकता है। शुक्र अगर इन्हीं भावों पे चौथे और पांचवें भाव पर प्रभाव डाल रहा है तो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, फैशन डिजाइनिंग, काव्यशाही आदि में अपना प्रभाव डाल सकता है। इन्हीं भावों पर अगर चंद्र का प्रभाव है तो बच्चा अपना इंटरेस्ट नर्सिंग, नाभिक शिक्षा
वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, होटल प्रबंधन, पत्रकारिता, पर्यटन, डेयरी विज्ञान आदि में अपना रुचि दिखा सकता है। अगर मंगल का प्रभाव है तो बच्चे की रुचि फौजदारी, कानून, पुलिस, विमान शिक्षा, शल्य चिकित्सा, ड्राइविंग, तकनीकी, सेल शिक्षा आदि में उसका इंटरेस्ट रहेगा और वह अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे इन सब्जेक्ट्स में रुचि रहेगी और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर टेक्निकल प्लेनेट राहु, शनि, केतु इनका प्रभाव रहेगा तो बच्चा यांत्रिकी, भवन निर्माण शनि के कारण इसमें जा सकता है, राहु के कारण बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में जा सकता है। केतु का प्रभाव है तो गुप्त उद्योगों, मशीनरी से संबंधित आदि इसमें अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। और भी बहुत से कॉम्बिनेशन रहते हैं जो कि आपको पढ़ाई में सहायता करते हैं और उसके हिसाब से वो जाकर हमें नौकरी में फायदा दिलाते हैं। इस तरह हमने देखा कि बच्चे की कुंडली अगर समय पर समय रहते विद्वान ज्योतिषी को दिखा के उसका मार्गदर्शन लिया जाए तो हमें बच्चे को कुंडली के हिसाब से उसके विषय लेने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।